सुप्रभात बच्चों, मैं लखवीर गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ पिल्लाड़ का पब्लिक स्कूल, पेंडर रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के हिंदी पाठ्यक्रम में पुस्तक है बाल राम कथा। उसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं रंका में हनुमान। ठीक है, तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। तो जब सीता जी को खोजने के लिए वानरों की अलग अलग टोलियाँ बनाई गई, तो कई वानर अलग अलग दिशाओं की तरफ गए। तो राम जो हनुमान जी हैं और जामवंत जी हैं और ऐसे तमाम और बहुत सारे वानर जुगण हैं, ठीक है ना, ये सब सीता जी को खोजते खोजते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। आगे बहुत विशाल समुद्र होता है, अब उसके आगे लोग कहाँ जाएं, बहुत परेशान होते हैं। वहीं एक गुफा में गिद्धराज जटायु का एक भाई है संपाति। जब कुछ वानर वहाँ जाते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ा गिद्ध है वहाँ पर, तो डर जाते हैं। बाद में उससे परिचय प्राप्त करने पर पता चलता है कि वो है गिद्धराज जटायु का भाई संपाति है, उसका बड़ा भाई होता है संपाति। तो संपाति जो उनको बताता है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे देख सकता हूँ कि जो सीता है वो कहाँ है, लंका में है। तो सीता की खोज जब होती है तो ये तो पता चल जाता है कि सीता जी कहाँ है, लेकिन अब वहाँ तक जाएँ कैसे। तो जो भल्लूक राज हैं, ठीक है, भालुओं के राजा जामवंत, वो हनुमान जी को कहते हैं कि आप तो अतुलित बलशाली हैं, आप ऐसे कितने समुद्रों को पार कर सकते हैं। और वो उनकी शक्ति को उनको याद दिलाते हैं, और जब याद दिलाते हैं तो राम जो हनुमान है उनको अपनी शक्तियाँ याद आती हैं, ठीक है, कि बचपन में ऐसे कितने कर्तव्य उन्होंने दिखाए हैं, ठीक है, बड़े बड़े कारनामे उन्होंने कर दिए, एक बार तो वो सूर्य को ही निगल गए थे। तो ऐसे उनको अपनी शक्ति का भान जब होता है, ठीक है, तो वो फिर जय श्री राम कहते हुए उठते हैं, ठीक है, विशाल का अपना शरीर बनाते हैं, फिर वो समुद्र के लोग उड़ते हैं। देखिए, हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। ठीक है, हनुमान उठे, उन्होंने अंगड़ाई ली, वे एक शिला पर चुपचाप बैठे हुए थे कि अब कैसे होगा क्या होगा। लेकिन उनको जब जामवंत, ठीक है, याद दिलाते हैं उनकी शक्ति के बारे में, तो वो अंगड़ाई लेते हैं, उठते हैं, धरती को छूते हैं और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जाकर बैठ जाते हैं। एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत पर शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। शिखर का मतलब क्या होता है? शिखर का मतलब होता है चोटी। पर्वत की जो चोटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शिखर। अब यहाँ पर जो जामवंत है वो सफल हो गए थे हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाने में, ठीक है। अब हनुमान जी शिखर पर हैं महेंद्र पर्वत के और वहां से विशाल समुद्र को देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र यह देख कर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। ठीक है, कितनी बढ़िया बात यहाँ पर। तो जब हनुमान जी समुद्र की तरफ वहाँ देखते हैं तो उनके समुद्र को देखकर, ठीक है, उनकी आंख में चुनौती का भाव नहीं था, वो समुद्र को चुनौती नहीं दे रहे थे कि मैं तुम्हें लांग दूंगा, बल्कि उनके मन में समर्पण का भाव था राम के प्रति कि हे राम, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये समुद्र क्या है। और अब समुद्र की गरिमा नष्ट होने को थी। समुद्र की गरिमा क्या है कि समुद्र को कोई लांग नहीं सकता। आज तक कोई ऐसे हजार योजन हजार किलोमीटर दूर कोई गया नहीं, ठीक है, मतलब समुद्र को पार करके उड़ते हुए पार करके कोई जाएगा आज पहली बार ऐसा होगा तो समुद्र की गरिमा नष्ट हो जाएगी, समुद्र कौन लांग सकता है। लेकिन हनुमान जी लांग देंगे, तो अब समुद्र के सामने एक चुनौती ही होगी, लेकिन ये चुनौती हनुमान नहीं दे रहे थे, ठीक है, वो तो समर्पण का भाव था उनके मन में। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। जब भी हम छलांग लगाते हैं हम क्या करते हैं? हम पीछे तरफ धक्का देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी ने पूर्व की तरफ देख करके अपने पिता को प्रणाम किया, ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने धरती पर हाथ रखे, उस पर्वत पर हाथ रखे, उसे दबाया और फिर तेजी से छलांग लगा दी, ठीक है, हवा में एक हाथ आगे करके। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर। तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए, कुछ दूर हनुमान के साथ गए। जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं, हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। जब हनुमान उठे वहां से उड़ने के लिए तो पर्वत खंड जो है, कुछ पर्वत के खंड टुकड़े हो गए पर्वत के, और वो भी हनुमान के साथ उड़ चले कुछ दूर तक समुद्र, ठीक है, लेकिन हनुमान की गति तेज थी, वे आगे निकल गए और वो टुकड़े समुद्र में गिर गए। जैसे कोई आदमी जाता है उसको विदा करने के लिए कई लोग जाते हैं, ऐसे ही वो पत्थर हनुमान जी से विदा करने के लिए आए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक मूवी है मैन ऑफ स्टील, सुपरमैन की मूवी है। आप उसमें देखेंगे जो सुपरमैन होता है जब वो उड़ने का प्रयास कर रहा होता है, जब वो सीखता है उड़ने के बारे में, तो कई बार गिरता है पड़ता है यहाँ, लेकिन एक बार जब वो उड़ना चाहता तो वो धरती पर अपने दोनों हाथों को रखता है और जब उड़ने के लिए पूरी शक्ति लगाता है तो वहाँ आसपास कंपन होने लगता है, जो छोटे छोटे बालू के कण होते हैं ऊपर उड़ने लगते हैं।
और जब बहुत तेज होता है तो कुछ कण उसके साथ भी जाते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप इसको देख पाएंगे आसानी से, ठीक है ना, इस बात को आप समझ पाएंगे कि जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सख्ती से हम बाहर जब निकलते हैं तो कुछ चीज़ हमारे साथ भी कुछ दूर तक चलती है, ठीक है। तो पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सुपरमैन की कल्पना है कहीं ना कहीं हनुमान जी को देखकर लोगों ने सोचा होगा कि ऐसी फिल्म बनाते हैं, ठीक है। आदमी को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, वो कहाँ से सोचेगा ऐसा, कभी उसने कभी सोचा होगा, देखा होगा, तब तो ऐसा करेगा वो, ठीक है। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा, उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। जो महेंद्र पर्वत था बड़ा सुंदर था, वनस्पतियों और जंतुओं से भरा हुआ, उसका शिखर पथरीला था, मतलब उसकी चोटी थी वो कैसे थे, वहाँ पत्थर थे, लेकिन बाकी जगह तो बहुत सुंदर था वो, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे। नीचे अगर घाटी में देखेंगे तो मनमोहक वृक्ष लगे थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। जब तक हनुमान ने छलांग नहीं लगाई थी पर्वत एकदम शांत था, निश्चल, कोई वहां हरकत नहीं हो रही थी। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टान नीचे लटकने लगी, पशु पक्षी चीतकार करते हुए भागे, कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग की गोलों की तरह। लेकिन जब हनुमान वहां से इतनी शक्ति से उड़े तो वहां पर एक तरह से भूकंप जैसी स्थिति हो गई, पर्वत दरक गया, पर्वत के बीच में दरार पड़ गई, ठीक है। पेड़ पौधे गिर गए, पशु पक्षी चीतकार करके भागने लगे, बड़े बड़े शिलाखंड टूट कर गिर गए, कई जगह जल स्रोत, कई जगह फव्वारे निकल आए, जल स्रोत निकल आए, ठीक, पानी के अंदर पहाड़ के अंदर दबा हुआ जल था वो बाहर निकल, इतनी शक्ति से वो उड़े, ठीक है। कई जगह तो पत्थर लाल हो गए अंगार की तरह, ठीक है। आगे देखिए, धुआं उठने लगा, मतलब कहीं हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे, हनुमान को इससे कोई मतलब नहीं, तो बेखबर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए, उनका शरीर हिला तो बादलों की गड़गड़ाहट हुई, वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता, समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, बिना आवाज चलती, ठीक है। अब मार्ग में उन्होंने दिशा बदली समुद्र लंका की तरफ जाने के लिए, जब उन्होंने दिशा बदली तो बादलों की गड़गड़ाहट हुई, ठीक है। जब बादल गड़गड़ाते हैं, बादलों की गड़गड़ाहट आपने सुनी, ऐसे जब इतना विशाल काय शरीर था हनुमान जी का, ठीक है, जब वो दिशा बदले तो बादलों से गड़गड़ाहट हुई, ठीक है, और वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता, ठीक है। पहले सब कुछ रुका हुआ रहता था, लेकिन जैसे ही वो जहां से गुजरते बहुत तेज से सब कुछ अस्थिर हो जाता, सब कुछ हिल जाता, ठीक है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती, जैसे कभी आप देखें जो प्लेन होता है, जेट प्लेन, ठीक है, फाइटर प्लेन जो होता है, जब वो ध्वनि की रफ्तार से गुजरता है, ध्वनि की मैक 1 मैक 2 मैक 3 रफ्तार समुद्र के ऊपर से गुजरता है, कभी कभी शो में दिखाता है, अगर आप देखें तो आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, किस तरह पानी की एक लहर उठने लगती है उसके साथ साथ, ठीक है। वो जब पानी की सतह के बहुत करीब होकर गुजरता है तो पानी की लंबी सतह उसके साथ एक लहर बनकर उसके साथ चलती है, ठीक है। ऐसे ही पानी में हलचल मच जाती है जब वो वहां से गुजरते थे, इतनी तेजी से गुजरते थे, ठीक है। जैसे अगर आप इस बात का अनुभव करना चाहें तो मैं आपको एक मूवी का नाम और बता सकता हूँ, एक मूवी है हॉलीवुड की, उसका नाम है डीप इम्पैक्ट। डीप इम्पैक्ट में क्या होता है कि दो एस्ट्रॉयड होते हैं, वो धरती पर गिरने वाले होते हैं, ठीक है। तो उसमें जब एक एस्ट्रॉयड गिरता है तो समुद्र की तरफ बढ़ता है, बहुत तेज समुद्र में गिरता है, तो जब वो गिरता है तो समुद्र की क्या हालत होती है आप उसको देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। डीप इम्पैक्ट एस्ट्रॉयड इफेक्ट अगर आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, तो आप इससे एकाकार कर पाएंगे, आप देख पाएंगे ऐसा, ठीक है। हनुमान इससे बेखबर थे, बाइक की गति से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो जब हनुमान कहीं से गुजरते तो ऐसी हालत होती, ऐसा लगता था कोई बड़ी नाव जो है समुद्र के ऊपर चल रही है बिना आवाज के, लेकिन क्योंकि वो हवा मोड़ रहे थे। समुद्र के अंदर एक पर्वत था मैनाक, सुनहरा चमकता हुआ, वह जलराशि को चीर कर ऊपर उठा, मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर ले। तो समुद्र के अंदर एक पर्वत था, उसका नाम मैनाक था, मैनाक पर्वत, याद रखें हम लोग जब इस पाठ को पढ़ रहे थे क्या क्या चीजें हमारे लिए हैं, ठीक है। जैसे एक मैनाक पर्वत हमें मिला है और हमें महेंद्र गिरी मिला है, ठीक है, महेंद्र पर्वत जो है उसको महेंद्र गिरी भी बोलते हैं, जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी वो महेंद्र पर्वत था, और समुद्र के अंदर एक पर्वत था सुनहरा पर्वत, ठीक है, मैनाक, वो जल को चीरता हुआ ऊपर आकर खड़ा हो गया, ठीक है। वो चाहता था कि हनुमान जो है वहां रुककर थोड़ा विश्राम कर ले, ठीक है, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्होंने मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी, राज काम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए, हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया और वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे, ठीक है। मैनाक ये चाहता कि हनुमान जी थक गए होंगे, थोड़ी देर में विश्राम कर ले फिर उड़े, लेकिन वो अब किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहते थे, राम काज में, राम के कार्य में किसी भी तरह की वो बाधा नहीं चाहते थे, उन्हें ये मतलब मैनाक की जो इच्छा थी, सद इच्छा, सद माने होता है अच्छा, इच्छा माने भावना, तो मैनाक की तो अच्छी भाव, मैनाक तो अच्छी भावना से उठ खड़ा हुआ था कि राम के काम में जा रहे हैं, अगर रुक जाएंगे तो इतिहास में मेरा भी नाम अमर हो जाएगा कि राम के कार्य में मैंने भी कुछ सहायता दी है, ठीक है। लेकिन वो रुकना नहीं चाहते, बहुत तेज से उड़े, ठीक है, और जब अचानक पर्वत खड़ा हुआ तो
हनुमान जी का हाथ लग गया उस पर्वत पर, ठीक है, तो पर्वत का शिखर टूट कर गिर गया, तो हनुमान जी थोड़ा और ऊपर ऊपर उड़ने लगे, ठीक है। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई, राक्षसी सुरसा मिली, अब देखिए एक और आ रहा है, एक और नाम सुरसा। तो हनुमान जब लंका की तरफ जा रहे थे तो उनके रास्ते में कई बाधाएं भी हैं, ठीक है, जैसे सुरसा है कई बाधा। विराट शरीर वह हनुमान को खा जाना चाहती थी, पवन पुत्र ने चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए, आगे और एक राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिता सिंहिका था, एक और राक्षसी मिल रही है सिंहिका, ठीक है। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली, वह अचानक आसमान में ठहर गया, क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और आगे बढ़े। अब राम के कार्य के लिए जब वो सीता की खोज से जा रहे हैं तो उनके रास्ते में कई बाधाएं मिले, जैसे उनके राक्षसी मिली सुरसा समुद्र में, बहुत विशाल का शरीर था उसका, वो राम हनुमान तो उसके सामने एकदम छोटे से ऐसे, विशाल का शरीर समुद्र में तो बहुत बड़ा होता है, उसको विशाल का शरीर लेकर वो खड़ी होगी, ठीक है। तो हनुमान ने उससे कहा, माते मुझे आगे जाने दो, ठीक है, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। तो उसने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जब भी कोई यहाँ से निकलेगा, अगर मैं उसके रास्ते में खड़ी हो गई, ठीक है, तो उसको मेरे मुँह में जाना पड़ेगा, पहले वो मेरे मुख में जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगर मेरे मुख से बच गया तो फिर जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुमको सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम उसको पार करके नहीं जा सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, ठीक है, तो या तो तुम्हें मेरे मुँह में जाना पड़ेगा, अगर तुम मेरे मुँह में जाकर बच गए तो फिर तुम बच सकते। तो हनुमान जी ने बहुत छोटा सा उदाहरण कर लिया, और छोटा, वो जल्दी से फट से गए, उसने मुँह खोला, आ फटाक से गए, उसके मुँह से बाहर निकल आए, ठीक है। तो इस बात से सुरसा बड़ी खुश हुई, उसने कहा कि वाह तू तो बहुत चतुर चालाक है, ठीक है जा। तो जब हनुमान जी वहाँ से आगे गए तो फिर एक और राक्षसी मिली, सिंहिका राक्षसी। वो राक्षसी ऐसी थी कि जल में उड़ने वाले पशु, जो जल में ऊपर पक्षी जो उड़ा करते थे, उन पक्षियों की परछाई को पकड़ लिया करती थी, और फिर उन पक्षियों को उस परछाई को पकड़ कर खींचती थी और उसको खा जाती थी। तो उसने हनुमान जी की परछाई को ही पकड़ लिया, हनुमान जी उड़ नहीं पा रहे थे, क्या हो गया मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, देखा सामने एक राक्षसी है उनको खा जाना चाहती, हनुमान जी ने उसको गुस्से में आकर मार डाला और फिर अपने रास्ते में आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था, दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी, रावण की राजधानी सोने की लंका, आकाश में उठते हुए कंगूरे, उसके प्राचीर, उसकी प्राचीर, प्राचीर का मतलब होता है दीवारें, शब्द आया लिखने प्राचीर, प्राचीर का मतलब क्या होता है दीवार। तो जब थोड़ी दूर आगे गए तो उनको लंका दिखाई देने लगी, ठीक है ना। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए, अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे, दूर उन्होंने देखा कि ऊंचाई पर जो है लंका नगरी बसी हुई, रावण की लंका जो है राजधानी उसकी वहां बसी हुई है, ठीक है। ऊंची ऊंची प्राचीर थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी, उसकी किनारे सब कुछ था, देख रहे थे वो, ठीक है। तो वो आकर समुद्र के किनारे उतरे और अब वो लंका को बहुत पास से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी, हनुमान को थकान रंच मात्र माने जरा भी उनको थकान नहीं थी, थोड़ी सी थी, रंच मात्र मतलब थोड़ी सी थी, ठीक है, मात्र का मतलब ही होता है थोड़ा, रंच मतलब बहुत थोड़ा सा भी उनको थकान नहीं थी, बिल्कुल थकान नहीं थी, क्योंकि राम के कार्य में थे वो। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था, चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे कैसे पहचानेंगे, उनको केवल एक ही चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आज तक कभी सीता को देखा नहीं रहा हनुमान जी ने, ठीक है, तो ढूंढेंगे कैसे इतनी बड़ी लंका में, पहचानेंगे कैसे। लंका नगरी को ठीक से देखने का हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए, अब लंका नगरी को ध्यान से देखने को एक पहाड़ी पर चढ़ गए और अपनी दृष्टि दौड़ाई चारों तरफ, ठीक है, चारों ओर वृक्ष सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं, वे चकित थे, राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था, वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में सीता की खोज में काम आए। अब वो दूर से खड़े होकर नगरी को दूर से देख रहे थे, कहाँ कौन सी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है, देखा नगर जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुवासित है, संगीत लहरी बज रही है, संगीत की ध्वनि आ रही है, तो सोचा कि राक्षसों की नगरी भी ऐसी हो सकती है, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा सुंदर नगर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन वो लंका की हर एक गली को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे ताकि जब वो सीता की खोज में निकले तो कोई गली छूटे ना, हर एक जगह को अच्छे से वो छानबीन कर रहे थे वहां से ताकि वो सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा, उन्होंने प्रतीक्षा की, समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था, उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। अब उनको लगा कि मैं सुबह तो ढूंढ नहीं सकता, उन्होंने प्रतीक्षा की शाम होने की, रात हो जाए, ठीक है, दिन में तो वो खोज नहीं पाएंगे तो रात में वो आराम से खोज पाएंगे। तो उन्होंने शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। अब उनके पास पहला प्रश्न ये था कि सीता का पता लगाना कि इतनी बड़ी नगरी है, सीता आखिरकार इसमें किस स्थान पर है ताकि मैं उनको पता लगा सकूं, ठीक है, और ये काम आसान नहीं था। नगर में कूदते फांदते इधर दीवार से उस दीवार को खोज रहे थे, वृक्षों डालियों से कूदते फांदते में नगर के मध्य में पहुंच गए, राजमार्ग वही था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी, रावण ने उन्हें छिपाकर रखा होगा किसी कोने में,
महल में पहरेदार थे, अस्त्र-शस्त्र लिए, सबकी आंख बचाकर वे चुपचाप अंदर गए। अब उनको ये था कि रावण जो है सीता जी को महल में ही रखेंगे, ठीक है, और वहाँ अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित जो है सब पहरेदार थे और वो पहरा दे रहे थे, सबकी आंख बचा करके किसी तरह से हनुमान जी महल के अंदर गए। राजमहल विराट था, विराट का मतलब क्या होता है, बड़ा, विराट का मतलब क्या होता है, बड़ा, जो राजमहल था वो काफी बड़ा था, ठीक है, वैभवपूर्ण, चमकता हुआ ऐसा सोने का था पूरा, इतनी खूबसूरती थी वहां, वैभवपूर्ण, तमाम तरह की विलासिता की चीजें थी वहां पर। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, चुपचाप कभी इधर जाते कभी उधर जाते, महल में घूम रहे, घूम कर देखने लगे, भटकते, रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे, उन्हें निकट जाकर एक एक का चेहरा देखा, सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए, वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी, न जाने सीता को कहां छिपा रखा, सोचते हनुमान अंतपुर से बाहर निकल आए, उन्होंने सबको खोजा, और रात होगी तो अधिकतर राक्षस जो है थककर सो गए, तो हर एक राक्षस का अपना छोटा शरीर लेकर के हर राक्षस का चेहरा देखते थे और पहचानने की कोशिश करते थे क्या ये सीता है, लेकिन उनको ऐसा कोई दिखा नहीं, ठीक है। फिर वो रावण के महल में गया जहां रावण सो रहा था, उसने देखा कि रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ सो रहा है, ठीक है, एक तरफ वो सो रहा है, एक तरफ उसकी पत्नी सो रही है, तो वो समझ गए थे उसकी पत्नी है, लेकिन उनको सीता वहाँ कहीं नहीं देखी, थोड़े निराश भी हुए। फिर वो अंतपुर से बाहर निकले, ठीक है, रावण के अंतपुर से बाहर निकले हुए, एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, अब एक एक करके उन्होंने राक्षसों के जितने घर थे सबको छान मारे, सबकी खोजबीन कर ली, पशुशालाएं भी देख ली, सीता का कहीं पता रखा, सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वे दुखी हो गए। अब उन्होंने एक एक घर छान मारा, जहां पशु बांधे जाते थे वहां भी देख लिए, पशुशाला जो गोशाला सब जगह देख लिया, लेकिन सीता उन्हें कहीं नहीं मिली, ठीक है, हाँ उनको इस बात का यकीन था कि सीता है तो लंका में ही, ठीक है, लेकिन नहीं मिले तो थोड़े दुखी हो गए, सोचने लग गए। फिर उन्होंने क्या सोचा कि रावण ने बस सीता को कहीं छिपा दिया किसी गुप्त स्थान पर, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। अब उन्हें दुख तो हुआ कि अभी तक सीता मिली नहीं, ठीक है, क्या करे कैसे करे, लेकिन उनको ये मालूम था सीता यही है कहीं, और रावण जरूर ने कहीं छिपा दिया है, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं माता सीता की खोज के बिना यहाँ से जाऊँ, मरे चाहे कुछ भी हो जाए, ये उन्होंने निश्चित किया, ठीक है। तो अभी इस पाठ में बस नहीं बच्चों, इस भाग में बस नहीं, इसके आगे वाला पाठ हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।